Hello and welcome to 15th episode of Knee Pain Relief Series. I am Dr. Varun Vasel और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनिस्कस टियर इन नी जॉइंट के बारे में। इससे पहले हमने नी पेन होने वाली जैसे पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम, ऑस्टियोआर्थराइटिस और उसके बाद ACL इंजरी, इन सब पे तो बात कर ली, पर सबसे और भी इससे सब हटके एक और कॉमन चीज़ है जो हमें नी पेन देता है, वो है मेनिस्कस टियर। और ये सबसे ज़्यादा होता है यंग एडल्ट्स में या जो हमारे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये होते हैं एकदम से जो जर्की और ट्विस्टिंग इंजरी होती है ना नी पे, उसकी वजह से ये पॉपिंग साउंड आता है, उसको हम बोलते हैं मेनिस्कस टियर। और ये क्या होता है सबसे पहले, तो ये पार्ट वन हम इसमें इस वीडियो में हम पार्ट वन में बात करेंगे, क्योंकि पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। पार्ट वन में हम देखेंगे हमने क्या होता है मेनिस्कस, क्या होता है, कैसे इसके ग्रेड टियर होते हैं, क्योंकि आपके MRI में लिखा होता है एंटीरियर हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न, मिडल मेनिस्कस टियर और ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ये कैसे कैसे टियर होते हैं वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि आपको पता रहे कि मेनिस्कस टियर होता क्या है, क्योंकि इसकी कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे सर्जरी होती है, क्या इसका पूरा प्रोटोकॉल है, वो तभी आपको पता लगेगा MRI देख के भी, जब आपको ये पता होगा कि मेनिस्कस टियर होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मेनिस्कस होता क्या है। मेनिस्कस एक फाइब्रोकार्टिलेज स्ट्रक्चर है, जैसे डिस्क होती है हमारी वर्टिब्रा के बीच में कुशन का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइन में जो डिस्क होती है अलग अलग वर्टिब्रा के बीच में वो कुशन का काम करती है, इसी तरह जो मेनिस्कस होता है वो हमारे नी ज्वाइंट में कुशन का काम करता है। एक तो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बिल्कुल बोन के साथ साथ लगा होता है, ऐसे यहाँ पे टिबिया पे लगा होता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये अलग चीज होती है। अब फाइब्रोकार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है मेनिस्कस, वो हमारे टिबिया के ऊपर होता है इस तरह से। ये हो गया हमारा लेटरल मेनिस्कस, ये हो गया मीडियल मेनिस्कस। अब लेटरल इसलिए क्योंकि फिबुला इस तरफ है बाहर वाली साइड, ये हो गया हमारा मीडियल मेनिस्कस, वो टिबिया के ऊपर होता है। अब टिबिया को अगर मैं इस तरह से पढ़ी है और अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं टिबिया को, मतलब कि ऊपर से अगर हम कैमरा लगाएं तो इस तरह से जब टिबिया दिखेगी तो इस तरह मीडियल मेनिस्कस होगा, इस तरह लेटरल मेनिस्कस होगा, यानी कि हमारी एक जॉइंट में दो मेनिस्कस होते हैं, मीडियल यानी कि अंदर वाला, एक लेटरल यानी कि बाहर वाला। तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी में चार मेनिस्कस हैं, दो नीज के यानी कि दो मेनिस्कस, तो चार मेनिस्कस हो गए, एक नी में दो होते हैं मीडियल और लेटरल। अब देखते हैं मीडियल मेनिस्कस क्या होता है, वो एक सी शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह से होता है ये सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया मीडियल मेनिस्कस यानी कि अंदर वाला। अब लेटरल जो होता है वो ज्यादा सर्कुलर होता है, वो इस तरह से यहां पे आगे इतना सर्कुलर होता है, जो लेटरल मेनिस्कस होता है वो मीडियल से बड़ा होता है यहां पे इस तरह से, ये हॉर्स शू शेप्ड आपको दिख रहा है, इस तरह से लगता है। अब ये होता है इसका एंटीरियर हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न, ऐसे इसका एंटीरियर हॉर्न पोस्टीरियर हॉर्न, जब भी आपने देखा होगा आपने को पता लगेगा MRI जब आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है 1/3 ऑफ एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न मीडियल मेनिस्कस टियर ग्रेड 2 ग्रेड 3, तो वो टियर कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जो मेनिस्कस होता है वो बाहर वाली यानी कि पेरिफेरल साइड, हम उसको बोलते हैं जो बाहर वाली साइड होती है, तो पेरिफेरल साइड की जो जगह है वहां से वो थिक होता है और जितना सेंटर की तरफ आता जाता है उतना वो थिन होना शुरू हो जाता है। तो इसको मतलब यहां से अगर कर ले इस तरह से, ये ऐसे है, तो ये जो हमारा हो गया बाहर वाली साइड, तो ये हमारा यहाँ पे थिक होगा और अंदर वाली साइड जितना सेंटर आता जाता है उतना थिन होता जाता है, पूरा सर्कुलर नहीं होता। मीडियल मेनिस्कस MM, लेटरल मेनिस्कस LM और ये एंटीरियर हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न। अब लेटर और मीडियल का पता कैसे लगता है, यहाँ पे एक पोपलीटियल टेंडन पड़ा होता है जब हम MRI में स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि हम एक ही फ्रेम में इसको नहीं देख सकते, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न का हमें पता नहीं लग सकता, तो जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ पे पोपलीटियल टेंडन पड़ा होता है, जिससे हमें पता लगता है ये लेटरल मेनिस्कस है। अब इसमें भी मेनिस्कस का जो टियर है उसकी इंपॉर्टेंस जानने का इसलिए बेनिफिट है कि हमें पता लग जाता है कि जिस तरह का टियर है उस तरह की पेशेंट को जो प्रोग्नोसिस होगा, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसे दिया जाएगा, कितनी जल्दी पेशेंट ठीक हो सकता है। तो मेनिस्कस, हर मेनिस्कस का क्या होता है, ये होता है आउटर रेड जोन, जहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरी होती है। अगर हम ये आउटर जोन ले लें तो इसको हम रेड जोन बोलते हैं, ऐसे इसका ये हो गया यहाँ पे ये रेड जोन जो पेरिफेरल के पास होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, बॉडी को अगर कोई भी इंजरी होती है तो उसकी कहीं से न्यूट्रिशन मिलती है जिससे वो हील होता है, उसकी हीलिंग जिस पे डिपेंडेंट होती है। तो ये आउटर जोन जो होता है पेरिफेरल जोन, यहाँ पे तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है अगर टियर हो,
और जितना जितना अंदर की तरफ यानी कि जितना सेंटर की तरफ उसका टीयर बढ़ता जाता है या हॉरिजॉन्टल टीयर होता है जो सेंटर में ज्यादा होता है, उतना उसकी रिकवरी लेट होती है या कि बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई नहीं है, तो न्यूट्रिशन उसको मिलेगी डिफ्यूजन मेथड से, जो हमारा लोडिंग अनलोडिंग से, जो साइनोवियल फ्लूइड से जितनी न्यूट्रिशन आती है वो सेंटर में रहती है। तो इसलिए ये जो यंग एडल्ट्स को प्रॉब्लम होती है अगर, तो ये आउटर रेड जोन में रहे तो ठीक है, नहीं तो ये मिडल होता है, ये रेड एंड व्हाइट जोन कहा जाता है, और ये जो बिल्कुल लास्ट वाला होता है ये व्हाइट जोन होता है। अब इस तरह से मेनिस्कस के तीन जोन होते हैं, रेड, रेड वाइट और बिल्कुल वाइट। तो जो रेड वाइट में होता है उसमें भी चांसेस बहुत कम होते हैं, पर जो रेड वाला जोन है उसमें चांसेस बहुत अच्छे होते हैं हीलिंग के लिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिशन है, वहां स्कार टिश्यू अच्छा बन के वहां पे हीलिंग हो जाती है। तो ये था हमारा मेनिस्कस का कि कैसे कैसे होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से टीयर होते हैं। तो मेनिस्कस के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो सबसे पहला फंक्शन है लोड शेयरिंग, क्योंकि जो फीमर है उसके जो कॉन्डाइल्स है बहुत हैवी हैं और उसने इतने हैवी लोड जब टिबिया ने लेना है और अगर मेनिस्कस बीच में ना हुआ तो वो क्या करेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया एक फ्रिक्शन करेगा क्योंकि इतना हैवी है और उसको सरफेस एरिया प्रॉपर मिलेगा नहीं, तो छोटी छोटी फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी जब भी मूवमेंट होनी है। तो लोड शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब स्टेबिलिटी में क्या आता है, सेकेंड इसका होता है स्टेबिलिटी, इसका फंक्शन होता है। एक हमें गद्देदार जगह मिल जाती है मेनिस्कस के फॉर्म में, जो हमारे जो फीमर है वो पूरा उसके अंदर लैंड कर जाती है, तो जब भी हमारी कटिंग एक्टिविटीज होती हैं स्पोर्ट्स में, हमने इधर उधर भागना होता है, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा मेनिस्कस, ताकि फीमर जो है वो एक कुशन स्पेस के अंदर ही रहे। और थर्ड होता है शॉक एब्जॉर्प्शन, जब भी इसने कार्टिलेज ने हमारे या फीमर ने उसके ऊपर टिबिया के ऊपर आना है तो एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है हमारा मेनिस्कस, जैसे डिस्क काम करती है स्पाइन में वैसे ही शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है हमारा मेनिस्कस। और आप सोचिए अगर ये मेनिस्कस ना हो यहाँ पे तो क्या होगा कि जितनी भी स्टेबिलिटी होगी वो लूज हो जाएगी और छोटी सी जगह मिलेगी हमारी जो फीमर का कॉन्डाइल है टिबिया कॉन्डाइल के ऊपर, उसको छोटी सी जगह मिलेगी, इतनी फ्रिक्शन होगी जिससे आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब मेनिस्कस टियर होता है तो हमें देखना पड़ता है कौन सा टियर है, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं और उसका कैसे सर्जरी करना है वो हमें पता लग जाता है। अगर कई बार सर्जरी की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें श्योर होता है कि वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज नहीं करेगा। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टियर्स क्या होते हैं। इस तरह से टाइप्स ऑफ टियर्स हमने ये बनाए हैं जो हमारे मेनिस्कस में देखे जाते हैं। सबसे पहले तो होता है लॉन्गिट्यूडनल टियर, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल टियर होता है, इसको वर्टिकल टियर भी बोलते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल टियर अगर तो ये पेरिफेरल साइड पे हुआ यानी कि जो ब्लड सप्लाई वाली साइड पे, जो मैंने आपको बताया था कि आउटर हाफ जो होता है इसका आउटर साइड होती है ब्लड सप्लाई काफ़ी होती है, अगर इसमें टियर है तो वो हील हो जाएगा जल्दी। अगर सेंटर में या बिल्कुल सेंट्रल बिल्कुल है या बिल्कुल बीच में है तो ये टियर हील होना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है कई बार। और कई बार तो पेशेंट को अगर मुश्किल नहीं है इतनी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्योंकि अगर मेनिस्कस निकाल भी नहीं ले सकते, अगर मेनिस्कस निकलेगा तो फिर से वो कार्टिलेज को डैमेज करेगा जिससे आर्थराइटिस होने का खतरा होता है, तो इसलिए मेनिस्कस को कम ही कोशिश की जाती है, जो इसका पार्ट बड़ा हुआ या टूटा हुआ होता है टियर वाला पार्ट है सिर्फ उसको निकाला जाता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड आता है रेडियल टियर, ये हल्का सा टियर है, इसको स्मॉल रेडियल बोलते हैं। अब इसी तरह से जब ये रेडियल टियर बढ़ जाता है, जब हम ध्यान नहीं देते स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज नहीं करते, तब जब रेडियल टियर बढ़ जाता है तो ये पैरेट बीक की तरह दिखता है, इसको पैरेट बीक टियर भी बोलते हैं। सबसे कॉमन टियर इसमें देखा जाता है और बहुत डेंजरस टियर होता है, इसको बकेट हैंडल टियर बोलते हैं मेनिस्कस का, जैसे हमारे बकेट का ये हैंडल होता है इस तरह से पूरा टियर होता है। अब देखिए इसलिए पूरा सेंटर में आया तो ये हील का चांस नहीं है इसका कोई, फिर भी हमें एक्सरसाइज से इतनी स्टेबिलिटी लानी पड़ती है ताकि इस पर वेट कम आए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मीडियल मेनिस्कस होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो छोटा होता है एक तो, और मीडियल मेनिस्कस के अराउंड जो हमारे लिगामेंट्स हैं या बाकी इसको रोकने वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मीडियल मेनिस्कस के पास, इसलिए इसकी मोबिलिटी भी कम है। तो जितनी मोबिलिटी कम है उतना लोड इसने ज़्यादा लेना है, उतना टियर इसका ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये आता है हॉरिजॉन्टल टियर, बिल्कुल सीधा सेंटर की तरफ टियर जा रहा है, और जब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसमें पेरिफेरल वाला पार्ट तो चलो फिर भी थोड़ा सा हील हो जाएगा, पर ये जो पार्ट है हमारा सेंटर वाला ये बिल्कुल हील नहीं होगा, पेरिफेरल वाला सॉरी ये वाला पेरिफेरल वाला तो ये वाला तो हील हो जाएगा पर जो सेंटर वाला पार्ट है ये हील नहीं होगा, तो इसलिए मेनिस्कस को हमें देखना पड़ता है। तो ये होता है फ्लैट,
अब आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं कई बार हमारा नी फंस जाता है, लॉक हो जाता है, तो ये फ्लैप ही उसका कारण होता है। जो मीडियल मेनिस्कस होता है ना, उसमें जो फ्लैप टियर होता है, तो क्या करते हैं जब पेशेंट ने मूव करना होता है या फ्लेक्शन से एक्सटेंशन अपना नी खोलना होता है, तो एकदम से वो लूज बॉडी बीच में आ जाती है और नी लॉक हो जाता है। तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है सर्जरी का। अदरवाइज बाकी चीज़ों में तो सिर्फ पेन फील होगा थोड़ा सा, और उसके बाद वो पेशेंट अगर हमारा फिजियोथेरेपी ले रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है या मेडिकेशन ले रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन होता है, NSAIDs जिनको बोलते हैं, अगर वो ले रहा है तो इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है, और एक्सरसाइज करके अपने कार्टिलेज को भी इम्प्रूव कर लेगा। पर ये जो फ्लैप टीयर है ना, इसमें जब मीनिस्कस में फंसता रहता है, वो बीच में नी ज्वाइंट के बीच में जब फंसता है, तो एक पॉपिंग और लॉकिंग साउंड आ जाता है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बाहर निकालना, इस बड़े हुए पार्ट को, क्योंकि हमें लूज बॉडी नहीं चाहिए होता नी ज्वाइंट में, क्योंकि कई बार कई पेशेंट ने चलना होता है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर जाना है, और अगर वो गिर जाए तो और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना होता है। इसी तरह से एक होता है डीजनरेटिव टीयर, वो एज के साथ साथ होता है। तो अब ये मेनिस्कस टियर पेशेंट में कैसे पता करते हैं, उसके लिए एक मैकमरेस टेस्ट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम उसको देख सकते हैं। और वो मैकमरेस टेस्ट कैसे करते हैं मीडियल और लेटरल मेनिस्कस के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट टू में बताऊंगा, इसके बिल्कुल साथ ही आ जाएगा वो पार्ट टू भी, और साथ ही साथ उसमें आपको बताया जाएगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है हमने जब मेनिस्कस टियर होता है विदाउट सर्जरी, उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पता लग गया होगा जो आप MRI में अपने देखते हैं कि मीडियल मेनिस्कस टियर, पोस्टीरियर हॉर्न, वो सब आपको पता लग गया होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जानना, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें एक इंटरेस्ट बनता है कि हमें प्रॉब्लम क्या हुई है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप भी अपने कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन का ये नंबर है, 1-to-1 आपकी मुझसे बात होती है और मैं आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करता हूँ आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। इसकी छोटी सी फीस होती है, इस नीचे डाले नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इससे पहले जो ACL टीयर के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के और नी पेन सीरीज के जितने भी पार्ट्स आए हैं वो आप जाके जरूर देखिए, उसमें एडवांस्ड एक्सरसाइज, लूप के साथ एक्सरसाइज, बॉल के साथ एक्सरसाइज, वो सारा कुछ आपको बताया और आप बहुत उसको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और आप एक्सरसाइज के लिए वो जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो भी आप ले रहे हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आना है मीडियल मेनिस्कस की या मेनिस्कस टियर की एक्सरसाइज में, उसमें भी वो चीज़ें काफ़ी यूज़ होनी है, तो आपके पास होंगी तो आपको बहुत ईजी रहता है, और वैसे भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इस पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर की वजह से लोगों को पता लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे कैसे उसको घर बैठे ठीक किया जा सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे हेल्दी वीडियोज़ आपको लगातार पाने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।